Very good afternoon, everyone. Welcome to the webinar. I am Group Captain IB Singh from Perfect Overseas Education Consultancy. I have been into this business for about now 2 years, whereas this company is about more than 10 years old and run by Mr. Nansingh, who's been the MD of the company. आज हम बात करेंगे BBA और MBA की। MBA, BBA के कोर्सेज करते हैं। ये कोर्सेज डिफरेंट ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देश में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग ड्यूरेशन के और समय शुरू होने का अलग होता है। तो बिना समय गवाए आपको इमीडिएट पता करना चाहिए कि आपका कोर्स कब शुरू होना है। उसके लिए शुरू करने से, वहाँ पहुँचने से अगर पीछे कैलकुलेट करेंगे, कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है, जबकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट लेना, डॉक्यूमेंट भेजना, आपका उधर से एडमिशन कंफर्म करना, फीस ट्रांसफ़र करना, फिर वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा लेना और फिर पहुंचना। तो इसे एक अच्छे सिस्टम में, जैसे कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आप समय से अप्लाई करें, ताकि इसमें आपको कहीं भी कोई ऐसी अड़चन ना आए जिसकी वजह से आपकी एडमिशन रुके। अब कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। जो भी बच्चे अब आज बीबीए करना चाहते हैं 12th के बाद, उनके लिए सही मौका है आज अप्लाई करने का, पता करने का, ताकि वो जुलाई सितंबर वाले कोर्सेज जो हैं उनमें वो जा सकें। और जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गैप होना बीच में अच्छा नहीं होता है। अगर गैप बढ़ जाता है, गैप ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी जस्टिफिकेशन देना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमें जस्टिफाई करना पड़ता है उस गैप को। तो और बीबीए एमबीए में कई तरह के, आपको मालूम होगा कि बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके अंदर कई ब्रांचेज होती हैं। तो आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप जैसे MBA HR में करना चाहते हैं, BBA HR में करना चाहते हैं, IT में करना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया बाहर जाना है। अब बाहर जाने से पहले अब आपको जो तैयारी करनी है कि आपने क्या करना चाहते हैं। BBA MBA, अगर BBA है या MBA आपकी है, उसमें कौन सी करना चाहते हैं? फाइनेंस में करना चाहते हैं, HR में, IT में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं? आपने मान लिया फाइनेंस में करनी है। अब आप खुद थोड़ा सर्वे करिए कि BBA फाइनेंस के लिए कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग कंट्रीज में। जो कंट्रीज जैसे मैंने बताए आपको, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर वगैरह में, और भी अगर कोई कंट्री है उसमें भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ देखिए, ढूंढिए, अपनी तसल्ली कीजिए। वेबसाइट पर जाइए यूनिवर्सिटी की, चेक करिए, एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर चेक करिए। जब आपको ये हो जाए पक्का कि हाँ जी मेरे को ऑस्ट्रेलिया में जाना है और इस यूनिवर्सिटी में जाना है और ये कोर्स करना है, तब आपका पाथ बड़ा क्लियर हो जाता है, सिंपल हो जाता है। सिर्फ अपने आप अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कि उसको जाने के लिए जो जो पॉइंट होने चाहिए, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरी है कि नहीं है। अगले चरण के लिए हमारी काउंसलर हैं मिस सुप्रिया चौहान, मैं उनको बोलूँगा आपसे चंद मिनट बात करें, मैं फिर लौट के आपके पास आता हूँ। Abhi, over to Ms. Supriya Chauhan. Hi guys, very good evening. Welcome to the webinar which has been organized by Credila, our partner. The thing is that what is the procedure, how student will take admission for MBA especially. अगर MBA की बात आती है, हमें 1 साल का भी गैप जो है जस्टिफाई करना पड़ता है, आइदर हमारे एक्सपीरियंस है या गैप सर्टिफिकेट्स लगा करके, एफिडेविट्स लगा के, राइट। हम IELTS में बिल्कुल भी जो है IELTS के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। IELTS बैंड हमें उतने ही मिलने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे ओरिजिनल चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो हर एक कंट्री के शो मैंने का ये क्राइटेरिया होता है बच्चे। अब जैसे आप लोगों ने मान लिया कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना है, ऑस्ट्रेलिया का अगर फीस 12 लाख है तो 12 लाख प्लस आप 3 लाख अपने रहने पीने खाने का खर्चा लगा के आपको कम से कम 15 लाख रुपए शो मनी दिखाना होगा अपने अकाउंट में, जो कि 6 मंथ का हिस्ट्री में होना चाहिए। ये आधा आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो या आपके अकाउंट्स में हो। इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो। इन सम कॉलेजेस कुछ एकदम नेकेड कैश ही मांगते हैं। तो ओके, नाउ इन ऑस्ट्रेलिया आपको जो है 20 आवर्स का वर्क परमिट मिलता है पर वीक। बच्चा वहां पे MBA BBA की पढ़ाई करते हुए भी वो पर डे 4 आवर्स जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। तो आपको BBA MBA के बाद कोई इंटर्नशिप नहीं मिलता, आपको जो है पढ़ाई करने के बाद आप बस पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको टू इयर्स का या फिर यूएस की बात कर लो वर्क परमिट मिलता है। सिंगापुर जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा बूमिंग कंट्री हो रहा है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर द एजुकेशन। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द कॉल टू मिस्टर IB Singh, आवर बॉस। We have been able to give you the best what we have, and we will look forward to any queries, any questions in future also. Please do contact us. Look forward to seeing you. Jai Hind.